गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर भी अब बातें की जा रही है। पहले कहा गया था कि 31 दिसंबर से पहले हो जाएगा, अब तो कुछ दल दावा भी कर रहे हैं, आप लोग क्या कहिएगा? देखिए, इंडिया गठबंधन 40 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। महागठबंधन 40ों की 40 सीट बिहार में कैसे जीते, इसी फार्मूला के तहत सीटों का बंटवारा समय पर हो जाएगा। और जहां तक दावेदारी की बात है, तो दावेदारी चुनाव में तो इस तरह के दावेदारी लोग करते ही है, लेकिन जब अंतिम फैसला होता है तब लोग चुनावी मैदान में जाते हैं और सब लोग मिल करके अपने उम्मीदवार को जिताते हैं। तो यहाँ कोई 16 और 32 नहीं, हम लोग चाहते हैं कि 40 की 40 सीट पर महागठबंधन के उम्मीदवार चुनाव लड़ें और जीतें। इसी को लेकर के सीटों का बंटवारा हो जाएगा, कहीं कोई किचकिच नहीं है। पहले एनडीए अपना कुनवा बचाए, एनडीए बिखरने का डर सता रहा है, इसलिए बीजेपी वाले इंडिया गठबंधन की चिंता करते हैं। अरे पहले एनडीए अपना ना बताए कि वहाँ अपने सहयोगी को बीजेपी कितना सीट देगी। यहाँ सब तय है, सारा फार्मूला यहाँ तय है, समय पर इसकी घोषणा हो जाएगी। जदयू तो 16 सीट का दावा कर रही है, कांग्रेस 11 भाई उस 16 बोले कोई 32 बोले उसका कोई मतलब है? हम कह रहे हैं कि 40 की 40 सीट पर आरजेडी तैयारी कर रही है। जब हम 40 सीट पर तैयारी करेंगे तभी हम अपने सहयोगी को जो सीट जाएगा वहाँ उनको मदद कर पाएंगे। तो 16 सीट उनका 16 एमपी है जेडीयू का, तो जेडीयू कह रही है यही बात। तो हम लोग भी तो सब लोग कह रहे हैं कि 40 सीट हम कैसे जीते, 40 सीट पर महागठबंधन के उम्मीदवारों, यही तो बात है। अब हम कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा विधायक वाली पार्टी आरजेडी है, तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि सबसे ज़्यादा सीटों पर हम लड़ेंगे। ये तर्क जो है, जब सीट शेयरिंग को लेकर के बात होगी तो इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं होगी, सारे चीज़ों को सहज तरीके से कर लिया जाएगा। बिहार सबसे पहले सीट शेयरिंग करके चुनावी अखाड़े में कूदेगा, इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती से लड़ेगा। आधार क्या बनेगा, लोकसभा का सीट या विधानसभा का सीट? देखिए, अब ये तो नेतृत्व तय करेंगे कि आधार क्या होगा, लेकिन सब लोगों को अधिकार है, ज़्यादा से ज़्यादा सीटों की मांग करती है पार्टियाँ, नेता दावेदारी पेश करते हैं, लेकिन अंतिम फैसला, अंतिम मुहर लगता है जब सब लोग बैठेंगे, मिल बैठकर तय कर लेंगे, तब फाइनल हो जाएगा।